W3 स्कूल के इस सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि CSS में सिंटैक्स, हम कोई भी CSS का अगर कोड लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं। अभी इसके पहले आपको हमने बताया था, एक एग्जांपल दिया था, लेकिन अब यहाँ से CSS का सिंटैक्स कैसे बनता है और हम कोई भी कोड CSS में कैसे लिखते हैं वो सीखने वाले हैं यहाँ पे। तो अगर इससे पहले के वीडियोज आपने नहीं देखे, पहला इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा, आप वो ज़रूर देखिए। और इसके बाद जो पूरी सीरीज है CSS की, वो इसी W3 स्कूल के अंदर वो पूरी सीरीज ख़त्म करूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी लिंक आपको मिल जाएगी CSS की, तो आप वहाँ से जाकर के उन सभी वीडियोज़ को देखिए और CSS में बिल्कुल मास्टर बनिए। तो अब देखिए यहाँ पे CSS का सिंटैक्स कैसे काम करता है। सबसे पहले एक अभी आपको पहले प्रोग्राम दिखाता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हमने प्रोग्राम लिया हुआ है और यहाँ पे देखिए स्टाइल के अंदर पैराग्राफ और कलर रेड दिया और टेक्स्ट लाइन यहाँ पे सेंटर दिया। अब ये क्या है, अभी इसी की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं आगे चल करके। बाकी ये तो आपको पता होगा, बॉडी के अंदर हम यहाँ पे HTML वाला पार्ट यूज़ करते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ और ये पैराग्राफ, ये हमारा HTML का होता है पार्ट, अभी हम यहाँ बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अब देखिए हमारा सिंटैक्स देखिए कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमारा CSS में आता है सिलेक्टर H1, जो हमने लिखा आप H1 लिखते हैं यहाँ पे, या कि आप पैराग्राफ P लिखते, या कि आप H2 लिखते, H5, H6 कुछ भी लिखते, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है सिलेक्टर, इसको हम बोलते हैं सिलेक्टर। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए हमने करली ब्रेस लिया और ये करली ब्रेस स्टार्ट होता है यहाँ से, हमारा ये एंड होता है। अब इसके अंदर हमने क्या लिखा है, कलर रेड और फ्रंट साइज यहाँ पर 12 पिक्सल, यानी कि हमने यहाँ पर दो पार्ट इसके बनाए। कैसे, एक हमने कलर रेड यहाँ पे दिया और दूसरा हमने यहाँ पे फ्रंट साइज यहाँ पे 12 पिक्सल किया। अब देखिए क्या होता है, अब इसको बोलते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ यहाँ से फ्रंट से, ठीक है, यहाँ पे F है, यहाँ पे लाइन आ गई है। तो अब देखिए अगर इसको मैं यहाँ से डिवाइड करता हूँ तो एक ब्लॉक को बोलते हैं हम डिक्लेरेशन ब्लॉक और दूसरा भी हमारा डिक्लेरेशन ब्लॉक, ये ब्लॉक ही है। तो अगर आप चाहें तो प्रोग्राम में एक ब्लॉक ही यूज़ करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम बहुत सारी जब स्टाइल देते हैं तो यहाँ पे दो डिक्लेरेशन बॉक्स, तीन हम इसके बाद भी यूज़ करते हैं बहुत सारे, है ना। अगर मान लीजिए कभी तो हमने कलर रेड दिया है, फ़ॉन्ट साइज दिया है, अभी स्टाइल देनी है अगर फ़ॉन्ट की हमें, तो ये सभी चीज़ें हम डिक्लेरेशन बॉक्स हमारा बढ़ता चला जाता है, तो इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन बॉक्स। और देखिए क्या होता है, अब कि डिक्लेरेशन बॉक्स क्या करता है कि एक से ज़्यादा डिक्लेरेशन को सेपरेट करता है। अगर करली ब्रेस के अंदर हम एक से ज़्यादा यहाँ पे डिक्लेरेशन हम दे सकते हैं, ठीक है। अभी हमने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे कलर, फ़ॉन्ट साइज, अब इसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली, ये जो जितनी चीज़ें हैं हम बैकग्राउंड कलर, जो भी चीज़ें हम रखना चाहते हैं, तो हम एक से ज़्यादा डिक्लेरेशन बॉक्स हम यहाँ पर रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिक्लेरेशन क्या करता है, इंक्लूड्स CSS प्रॉपर्टी नेम वैल्यू सेपरेटेड बाई सेमी कॉलन, जो हमारा ये है CSS का डिक्लेरेशन ब्लॉक है, वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है और वैल्यू होती है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा डिक्लेरेशन बॉक्स हुआ अलग अलग। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और वैल्यू यूज़ करते हैं। अब प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी जैसे कि हमने आपको बताया कि कलर, फ़ॉन्ट साइज, इसके अलावा हम प्रॉपर्टी की एक अलग से वीडियो भी बनाऊँगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कलर है वो प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को हम क्या देना चाहते हैं, वैल्यू, तो वैल्यू हमारी रेड है ना, तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमारा दूसरे में भी क्या है, हमारा सेम वही डिक्लेरेशन बॉक्स ही है ना। और एक चीज़ है यहाँ पे कि अगर डिक्लेरेशन बॉक्स के अंदर जैसे कि हमने एक प्रॉपर्टी वैल्यू दी, फिर अगर हमें दूसरी प्रॉपर्टी वैल्यू देनी है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फिर सेमी कॉलन यूज़ करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे हमने सेमी कॉलन यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, तो अगर हमें दूसरा देना है तो फिर हम वहाँ पर सेमी कॉलन यूज़ करते हैं। अभी मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने कलर यहाँ पे रेड दिया, कलर रेड यहाँ पे हमने दिया। अब इसी में देखिए अभी हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, सेमी कॉलन यूज़ किया। क्यों यूज़ किया, क्योंकि अभी हमें आगे देना है और इसके बाद भी हमने यहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ किया। यहाँ पे क्यों यूज़ किया कि ताकि आप आगे भी अगर देना चाहते हैं तो आप करली ब्रेस को आगे ले जा करके आप यहाँ पर जितनी भी स्टाइल लगानी चाहते हैं आप वो लगा सकते हैं। तो डिक्लेरेशन बॉक्स के अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है और वैल्यू होता है। तो हमारा सबसे पहले डिक्लेरेशन बॉक्स होता है और डिक्लेरेशन बॉक्स में क्या रहता है, प्रॉपर्टी होती है, वैल्यू होती है। प्रॉपर्टी हमारी कलर हो गई, फ़ॉन्ट साइज हो गई, फ़ॉन्ट फैमिली, ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। और वैल्यू हम क्या देना चाहते हैं, जैसे कि हमने इसकी कलर की प्रॉपर्टी क्या दे दी, रेड दे दी, इसकी हमने फ़ॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी क्या, यहाँ पर वैल्यू क्या रख दी, यहाँ पर हमने 12 पिक्सल रख दी, ये प्रॉपर्टी हमारी फ़ॉन्ट साइज और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर 12 पिक्सल रख दी। सेम इसी तरह से ये भी हमारी प्रॉपर्टी, ये भी, ये वैल्यू। तो इस तरह से हम इसका सिंटैक्स बनाते हैं कोई भी चीज़ अगर CSS में स्टाइल लगाने के लिए। अब हम आगे वो सभी चीज़ें देखेंगे, एक एग्जांपल यहीं पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है,
जो हमारा पैराग्राफ है, यहाँ पे पैराग्राफ है, पैराग्राफ में टेक्स्ट का कलर हमें रेड रहना चाहिए और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यानी कि टेक्स्ट हमें सेंटर में दिखना चाहिए। जैसे कि ये स्क्रीन है हमारी, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्क्रीन है, तो जो टेक्स्ट मैं लिखूँ वो टेक्स्ट हमें बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे सेंटर दिखे, उसके लिए हम टेक्स्ट अलाइन यूज़ करते हैं। तो इसका आउटपुट हमें यही मिलना चाहिए। तो HTML और CSS आपको HTML और हेड आपको पता है कि हम कोई भी प्रोग्राम की अगर शुरुआत करते हैं तो हम HTML और हेड हम किसी भी प्रोग्राम, छोटे बड़े प्रोग्राम शुरुआत करें, यहीं से हमारी प्रोग्राम शुरुआत होती है। फिर अब अगर हम एक्सटर्नल CSS नहीं यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इंटरनल CSS यूज़ करते हैं, तो इंटरनल CSS में फिर हम क्या करते हैं, हम स्टाइल टैग लगाते हैं। तो स्टाइल टैग हमारा भी स्टार्ट होता है और स्टाइल टैग हमारा हेड टैग के अंदर ख़त्म भी होता है। तो हेड टैग अभी नहीं ख़त्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले हमारा स्टाइल ख़त्म हो जाएगा। हेड के अंदर हमें स्टाइल लगानी होती है। अब इस स्टाइल में हम, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम सबसे पहले यूज़ करते हैं सेलेक्टर, तो हमने यहाँ पे देखिए सेलेक्टर हमने H1 यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कौन सा सेलेक्टर यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे सेलेक्टर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए पैराग्राफ, यानी कि पी सेलेक्टर हमारा, पी सेलेक्टर हो गया। अब इसके बाद देखिए हमारा यहाँ से आता है कर्ली ब्रेस स्टार्ट होता है, तो अब हमारा जा करके यहाँ पे कर्ली ब्रेस स्टार्ट हो रहा है, ये हमने कर्ली ब्रेस स्टार्ट कर लिया। अब आती है प्रॉपर्टी और वैल्यू देने की बारी, तो यहाँ पे देखिए सेलेक्टर दिया, सेलेक्टर के बाद हमने यहाँ पे सेलेक्टर हमारा H1 सेलेक्टर है, सेलेक्टर के बाद कर्ली ब्रेस स्टार्ट हुआ, कर्ली ब्रेस के बाद अब प्रॉपर्टी देना हमें, तो कलर हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी और यहाँ पे वैल्यू रेड, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी दे दी, कलर यहाँ पे हम प्रॉपर्टी दे दी हमने, वैल्यू उसकी रेड दे दी। फिर हमने क्या बताया आपको कि हमें अगर दूसरे भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू, तो हमें सेमी कॉलन के साथ सेपरेट करना होता है, तो हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देंगे। तब आप जा करके फिर दूसरी आप कलर प्रॉपर्टी और वैल्यू दीजिए। अब दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे फिर देखिए, सारे सेलेक्टर लिया, सेलेक्टर बाद कर्ली ब्रेस लिया, कर्ली ब्रेस के बाद यहाँ प्रॉपर्टी और वैल्यू हमने दी, फिर यहाँ पे सेमी कॉलन हमने लगाया। अब सेमी कॉलन के बाद जब दूसरा हमें यूज़ करना, दूसरा हमने वही फिर से यहाँ पे प्रॉपर्टी और यहाँ पे वैल्यू और सेमी कॉलन यूज़ करना है। तो प्रॉपर्टीज में मैंने फॉन्ट साइज 12 पिक्सल रखी हुई है, और अब यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन रख दी, हमने एक प्रॉपर्टी अलग से बता दी, अलग मैं पूरी प्रॉपर्टीज़ की वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन हमने यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पे हमने सेंटर को कर दिया है क्लोज, ठीक है, सॉरी सेंटर को यहाँ पे सेमी कॉलन सेंटर के बाद भी दे दिया। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि पहले हमें सेलेक्टर यूज़ करना है, पैराग्राफ सेलेक्टर, फिर कर्ली ब्रेस, फिर प्रॉपर्टी और वैल्यू, कलर प्रॉपर्टी रेड वैल्यू, इसी तरह से हमने सेमी कॉलन के साथ सेपरेट किया इसको। अब यहाँ से फिर प्रॉपर्टी हमने टेक्स्ट लाइन दी और यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे सेंटर रख दी और कर्ली ब्रेस को कर दिया क्लोज। अब हमें यहाँ पे क्या मिलना चाहिए आउटपुट, हमने किस सेलेक्टर के लिए दिया है आउटपुट, पैराग्राफ यानी कि पी सेलेक्टर के लिए हमने यहाँ पे दिया, तो हमें ये जो मिलेगा वो हमें पैराग्राफ में मिलेगा। और ये भी हमारा देखिए दूसरा पैराग्राफ ही है, हमने दोनों को पी टैग बनाया हुआ है। आप यहाँ पर H1 अगर लगाएंगे और यहाँ पर H1 के लिए अगर आप स्टाइलिंग नहीं करेंगे तो आपको H1 में स्टाइल नहीं मिलेगी। अभी तक हमने दोनों को पैराग्राफ बनाया, इसलिए ये स्टाइल जो है वो इन दोनों में अप्लाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए कलर रेड मिलना चाहिए और टेक्स्ट लाइन सेंटर मिलना चाहिए। तो अभी आउटपुट आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे देखिए मास्टर माइंड नारायण जो आपको हमने लिखा हुआ है, इसका कलर हमें रेड मिला है और टेक्स्ट लाइन जो देखिए यहाँ से हमारा ऐसे स्क्रीन है ना, यहाँ से यहाँ तक हमें इसको बीचों बीच बिल्कुल ये मिला हुआ है मास्टर माइंड नारायण। और इसके बाद स्टाइल्ड विथ CSS जो भी हमारी दूसरी लाइन में स्टाइल्ड विथ CSS, तो ये हमें जा करके यहाँ पे स्टाइल भी सी से इस तरह से मिल गया। तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखने के, यहाँ पर आप छोटा सा कोड लिख रहे हैं और यहाँ यहाँ की आपने स्टाइल चेंज कर दी, तो ये खूबसूरत काम हम CSS में करते हैं। तो इस तरह से हमारा CSS का पूरा सिंटेक्स होता है। आपको CSS का यूज़ करना है, पूरे प्रोग्राम में यूज़ करना है, बस इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना है। ये फॉर्मूला है आपको CSS का सिंटेक्स का, तो आप इसी फॉर्मूले के ऊपर जा कर के आप पूरा CSS आप आसानी से सीख सकते हैं। तो पुराने आप जो इसके वीडियोस हमारे नेक्स्ट वीडियोस आएंगे आप उनको देखिए, और अगर इससे पहले HTML के वीडियोस नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं, हमने पूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करें वीडियो को।